अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप पीटीसी साइट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन पर कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट व्यू करके आप कैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के वेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं www.earningtolearningonline.blogspot.com। इस ब्लॉग पर मुकम्मल उर्दू में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये मेरा ब्लॉग का व्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीचे सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है उर्दू में और ये पीटीसी साइट्स हैं। बेफिक्र होकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, जिस साइट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें और वहां पर आप इजीली रजिस्टर हो सकते हैं। साइट्स पर रजिस्टर होने का तरीका सेम है, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट का तरीका व्यू करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो भी मैं आज आपको मुख्तलिफ साइट्स पर इश्तहार व्यू करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम न्यू बॉक्स से शुरू करते हैं, रजिस्टर के बटन पर। ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसको आपने इस फॉर्म को फिल करना, अपना यूजर नेम जो भी रखना चाहे। ये साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इट कैन ओनली कंटेन्स लेटर्स एंड नंबर। ये देखें आप, यहां पर आप सिर्फ लेटर और नंबर में अपना यूजर नेम बना सकते हैं। इधर आप पासवर्ड देंगे, पासवर्ड के लिए भी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। यहां आप अपना ईमेल याहू का या जीमेल का जो भी ईमेल देंगे वहां पर आपको वेरिफिकेशन की एक ईमेल भेजी जाएगी। याद रखें कि अपना जो भी ईमेल दें वो एक्टिव हो ताकि आप मेल वसूल कर सकें और वहां से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। यहां आप अपना अल्टर पे का ईमेल एड्रेस देंगे, यहां आप अपना अल्टर पे का ईमेल एड्रेस देंगे। याद रखें कि पेपॉल पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को सिर्फ अल्टर पे सपोर्ट करता है। रेफर्ड बाय में आप मेरा आईडी दे सकते हैं, बैचवियर में अपना बैचवियर लिखें, वेरिफिकेशन कोड देंगे और क्योंकि ये कैप्स लॉक में है इसलिए कैप्स लॉक ऑन कर लें। इसके बाद आई डिक्लेयर टू हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस को टिक कर दें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपको आपके ईमेल एड्रेस पर जो आपने दिया था वहां एक ईमेल वसूल होगी, वहां आपका वेरिफिकेशन नंबर होगा, वहां से आप वो हासिल करके दोबारा लॉगिन के पेज पर आएंगे। यहां आप अपना यूजर नेम जो आपने रखा था और पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद साइन के बटन पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ये मैसेज आपके पास आया, यू आर नाउ लॉग्ड इन। ये मेरे आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ये मेरा अकाउंट $1 मेरे पास हो चुके हैं। यहां से मैं एडवर्टाइजमेंट व्यू करूंगा। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं। ये जहां पर स्टार बना हुआ है इसको मैं क्लिक करूंगा। अब ये रेड बटन, इसको क्लिक करने पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, वेटिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट टू लोड। ये एडवर्टाइजमेंट लोड हो रहा है, ये इस तरह का टाइमर से शो होगा। जब ये खत्म होएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज आपके पास आ गया। अब आप इसको बंद कर सकते हैं। यहां से आप अब दूसरा एडवर्टाइजमेंट व्यू करेंगे, इस पर क्लिक किया, सेम वही मेथड। जैसे ही ये बॉक्स कंप्लीट होगा आपके पास इस किस्म का मैसेज आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट वैलिडेटेड। अब दोबारा हम अपने अकाउंट पर जाएंगे, इस विंडो को हम अब बंद कर सकते हैं। यहां से मैं अपने अकाउंट सेटिंग कर सकता हूं। ये देखें, ये मेरी मेंबरशिप स्टैंडर्ड मेंबरशिप है, ये मेरे पास डायरेक्ट 4 रेफरल है। ये मैंने
एडवर्टाइज जो व्यू कर रखे हैं, ये मेरे रेफरल के एडवर्टाइजमेंट, ये मेरा मेन बैलेंस है और ये रेंटेड बैलेंस जो मैंने नहीं लिया हुआ। यहाँ से आप अपने अकाउंट की समरी देख सकते हैं, इधर से बैनर, यानी आपने अगर लोगों को रेफरल करना है तो ये आपका रेफरल आईडी होगा। ये नीचे HTML कोडिंग है इस बैनर की, तो ये आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। पर्सनल, ये पर्सनल सेटिंग है, इसमें आपकी पर्सनल सेटिंग कैसे करनी है। ये एडवर्टाइजमेंट, यानी आप इस साइट पर अगर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ये रेफरल्स हैं, ये डायरेक्ट, ये रेंटेड जो आपने किराए पर हासिल कर रखे हैं, ये आपके रेफरल का स्टेटस शो करेगा। ये देखिए डायरेक्ट रेफरल, क्योंकि मैंने रेंटेड रेफरल नहीं ले रखे इसलिए ये यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पेमेंट कैसे ले सकते हैं, यानी जब आपके पास $2 हो जाएंगे तो ही आप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास मैसेज आया, यू कैन ऑनली रिक्वेस्ट योर पेमेंट व्हेन यू रीच $2। क्योंकि मेरे पास $2 नहीं है इसलिए अभी मैं रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए नहीं कर सकता। इसके अलावा रेफरल हासिल करने का तरीका, कि आप कैसे रेफरल हासिल करें, रेफरल हासिल करने के तरीके मेरे ब्लॉग पर से देख सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है butmates.blogspot.com। यहाँ से आप, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ से आप रेफरल हासिल करने का तरीका और कमाने की स्पीड बढ़ाने के तरीके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जस्ट मेरा ब्लॉग चेक करें। ये मेरे ब्लॉग का आईडी है butmates.blogspot.com। अब मैं आपको बताऊंगा ऑनबॉक्स पर रजिस्टर होना और एक दो और साइट पर एडवर्टाइज व्यू करना। एडवर्टाइज व्यू तकरीबन तमाम साइट पर एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इनमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉग ऑनबॉक्स पर लॉग इन कैसे हो सकते हैं। उसके लिए ऑनबॉक्स की वेबसाइट खोलें www.onbox.com, इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद ये साइट ओपन होगी। इधर आपने अपना यूजर नेम देना है, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ आप अपना पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद पिन फर्ज करें। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस, इस पर आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी। यहाँ आप अपना अलर्ट पे का ईमेल एड्रेस देंगे, इधर आपने रेफरल भी लिखना है, इधर बर्थ ईयर, वेरिफिकेशन कोड। यहाँ आप अपने अलर्ट पे का ईमेल एड्रेस देना है। इसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ ये मुझे एरर दे रहा है कि योर पिन मस्ट बी एटलीस्ट फोन नंबर का पिन होना चाहिए। ये 4 ऐड किया, दोबारा रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। ये इस किस्म का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब मैं अपने yahoo.com के आईडी पर जाऊंगा और अपनी मेल चेक करूंगा कि मेल आई है कि नहीं। वहां से मुझे ऑनबॉक्स का वेरिफिकेशन कोड इन्होंने मुझे सेंड किया होगा। चलें अब हम याहू मेल पे जाते हैं। मेरे ईमेल बॉक्स में ऑनबॉक्स की तरफ से एक मेल आ चुकी है, इस पर ईमेल वेरिफिकेशन की, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास आ गया है वेरिफिकेशन कोड, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कर देंगे, ये देखें। अब इमेज वेरिफिकेशन जो नीचे दी हुई है, इसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
अब आपके पास मैसेज आएगा कि आपका आईडी बन चुका है, आप लॉग इन हो सकते हैं। इधर से आप लॉग इन हो जाए, यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखें, यहाँ पर पासवर्ड दें, इसके बाद लॉग इन के बटन पर क्लिक कर दें।